नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब नानकना मशीनरी, सुखराज मशीनरी, अनमोल मशीनरी, गुरकीरत मशीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मैं आपको हर रोज़ नई नई वीडियो में जो बिजनेस है, नया नया बिजनेस के बारे में हम जानकारी देते रहते हैं। आप हमारी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखा करो, फिर उसमें बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। आज मैं आपको जो स्क्रू मेकिंग मशीन है, जिप्सन स्क्रू, पीओपी चैनल, जो पीओपी चैनल में स्क्रू लगते हैं और हर जगह लकड़ी में लगते हैं, बहुत सारे हर घर में हर जगह पे इसकी ज़रूरत है। ये मैं स्क्रू के बारे जो मशीन है, कौन कौन सी मशीन लगेगी इसमें, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी, कैसा रॉ मटेरियल लगेगा, क्या क्या चीज़ लगेगी, कैसे बनेगा, कैसे इसमें मार्केट में सेल होएगा, क्या प्रॉफिट आएगा, वो पूरी की पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन ये वीडियो पूरी देखोगे तो फिर ही आपको वो जानकारी का नॉलेज मिलेगी आपको पूरी। ये दोस्तों हमारी जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है हमारी, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, वहाँ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं। हमारा बहुत सारी कंट्री में, 20-25 कंट्री में हमारी मशीनें एक्सपोर्ट भी होती है और ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में हमारी मशीनें सप्लाई होती है। मैं आपको ये मशीनों के बारे में बता रहा हूँ। जो हमारी फैक्ट्री है ये अमृतसर पंजाब, जहाँ पे ये गोल्डन टेंपल है, फेमस है बहुत, जहाँ ये गोल्डन टेंपल, बहुत टूरिस्ट इधर आता है, ये फेमस है यहाँ पे, ये हमारा सिटी है। वहाँ से हमारा 4 किलोमीटर गोल्डन टेंपल से ओनली चार किलोमीटर दूर है, चार डिस्टेंस, मतलब अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर। आप गोल्डन टेंपल, जलियांवाला बाग, वहाँ से 4-5 किलोमीटर है। यहाँ से वाघा बॉर्डर भी जाते हैं बहुत सारे टूरिस्ट। और हमारा ये सिटी है अमृतसर पंजाब, इसमें हमारा ओल्ड फोकल पॉइंट, ये नियर पुलिस स्टेशन है, उसके पास में हमारा 52 प्लॉट नंबर है। हमारी लोकेशन जो है फैक्ट्री की, पूरी वेबसाइट में आप बाहर से व्यू जो है देख सकते हैं उसमें। ये हमारी जो वीडियो जैसे बना रहे हैं, ये हमारा ऑफिस है, ये देखिए। मतलब मैं आपको जो पूरी जानकारी, हमारे पास बहुत टाइप की, हर टाइप की मशीनरी है, वायर के रिलेटेड हर टाइप की हमारे पास मशीन है। लेकिन उसमें मैं आज आपको ये स्क्रू मेकिंग मशीन है उसकी जानकारी दे रहा हूँ। और हमारे पास पेपर रिलेटेड भी हर टाइप का मशीनरी है, मतलब वायर के रिलेटेड, जैसे कोई जे ओक हो गया, सरिया बेंड करने वाली कोई मशीन है, कोई ऐसा है, जहाँ वाइडरा मशीन है, इसका राम टील बनाने वाली भी जो स्क्रू वाली है, और सरिया बांधने वाली जो तार बांधती है 18 नंबर 20 नंबर, वो भी है मशीन। मैं आज आपको, लेकिन ज़्यादा स्क्रू मेकिंग मशीन का अभी पूरी डिटेल आपको, जो मैं बोला है कि इसका पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दूंगा मैं। जैसे ये देखो, ये स्क्रू जो पड़े हुए हैं, हर टाइप का स्क्रू है, छोटा बड़ा, जैसे कोई भी किसी टाइप का हेड है। ये देखिए, ये छोटा आधी इंची पौनी इंची है इसका, ये जिप्सन स्क्रू बोलते हैं। इसमें 4 हेड स्क्रू ड्राइवर इसमें पीछे लग जाता है, 4 हेड स्क्रू है, ये जिप्सन स्क्रू बोलते हैं इसका। ये देखिए पूरा अंदर से कितनी बढ़िया फिनिश है, ये हमारी मशीन में ये बनता है, ये स्क्रू बनता है, कितनी बढ़िया फिनिश है, पूरी गलाई है इधर से। इसकी चूड़ी देखो, थ्रेड कितनी बढ़िया चूड़ी है, आगे नोक बिल्कुल तीखी है, बिल्कुल हाथ लगाओगे तो हाथ में लगता जा रही है, इतनी तीखी है चूड़ी। जो इसकी स्क्रू की थ्रेड है, चूड़ी है, बहुत देखो, मतलब हाई स्पीड है, मतलब डबल चूड़ी वाली है, जैसी डाई लगाओगे वैसी चूड़ी डल जाती है। इसमें आधी इंची, 1 इंची 2 इंची 3 इंची 4 इंची कोई भी स्क्रू बना सकते हो, छोटी बड़ी मशीन ले सकते हो। जैसे ये जिप्सन स्क्रू में जो मशीनें लगती है, 5 mm x 50 mm एक मशीन लगती है, हेडर लगेगा, एक रोल थ्रेड लगेगी, एक पॉलिशिंग दम, एक ग्राइंडर लगेगी, और एक इसमें जो इसको थोड़ा सा हीट करके ब्लैक करते हैं, वो भी एक टेम्परेचर कंट्रोलर, वो भी हमारे पास होती है। उसमें थोड़ा हीट होएगा, हीट होने के बाद उसमें एक आगे ऑयल होता है, कटिंग ऑयल, उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, उसमें डाल दोगे तो हीट भी हो जाता है और ब्लैक भी हो जाता है, हार्ड भी हो जाता है थोड़ा सा इसमें। और इसमें जो मशीनें हैं, एक तो 2 इंची मशीन हो गया, 2 इंची तक स्क्रू बनाना है, ये 5 mm वाली में ही ये सारे बन जाते हैं स्क्रू, क्योंकि स्क्रू जो होता है इसका डायमीटर कोई 2.5 mm होता है, कोई 3 mm होता है। जैसे ये 1.5 इंची तक जो है 2 mm तक आता है, जैसे ये 2 से बड़ा है, 2.5 है, 3 इंची स्क्रू है, वो 3 mm आता है।
लेकिन 5 mm जो है 5 mm वाली मशीन है उसमें बन जाते हैं। जे इसमें जो बड़ी 3 इंची वाला बनाना है तो फिर इसमें 3 इंची वाला हैडर लेना पड़ेगा, 5 mm बाय 3 इंची, वो मतलब स्पेशल एक हैडर होता है वो बन जाता है, और उसमें रोल थ्रेड लगेगी एक, और एक पॉलिशिंग दम एक ग्राइंडर, वही बाकी सिस्टम जो है उसको हार्ड करने वाला तो उसको ब्लैक करने वाला वो आगे लगेगा एक। और बाकी इसका सेटअप जो है हमारे पास पूरा का पूरा मिल जाता है, इसकी वीडियो भी मैं आपको अभी चला के दिखाऊंगा, वो पूरी वीडियो भी देखो, उसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, समझ लग जाएगी कैसे बन रहा है, कैसे मतलब अपने आप ऑटोमेटिक मशीनें हैं। इसमें रोल लगा देना है ऑटोमेटिक, पहले ऐसे ये हेड बन जाता है ऑटोमेटिक, जो पहले रोल लगा उसमें पूरा हेड बन जाएगा, उसमें जैसे ये वाला रोल लगा पहले, इसमें पहले हेड बन जाएगा, फिर वो निकल जाएगा, फिर अपने रोल थ्रेड में डालना है। रोल थ्रेड में भी हमारा उसमें वाइब्रेटर सिस्टम लगा रहता है, जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाइब्रेटर सिस्टम है वो लगा रहता है, क्योंकि उसमें लेबर कम लगती है, उधर आदमी खड़ा नहीं करना पड़ता, उसके ऊपर सेंसर लगा रहता है, वो जब वो पूरा सेंसर अपने आप घूम घूम के ऊपर से स्क्रू आते जाते हैं, वहाँ आके भर जाती है तो ऑटोमेटिक कट कर देता है। बाकी मशीनों जो पहले मैकेनिकल उसमें सिस्टम होता था उसमें ये सिस्टम नहीं होता था, अभी मेरा उसमें वाइब्रेटर सिस्टम लगा हुआ है, वो पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली आपको मशीन मिलेगी। उसमें जो डाई भी है, डाई भी बढ़िया क्वालिटी का जो है वो मिलेगा आपको, वो डाई जो है उसका एक डाई भी मिलेगा मशीन के साथ, और एक जो रोल थ्रेड की डाई है वो भी साथ में मिल जाती है। बाकी एक्स्ट्रा डाई जितनी भी आपने लेना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, जो भी साइज आपने स्क्रू बनाना उसका सैंपल दो, डाई बन जाती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी छोटी बड़ी कोई आधी इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची स्क्रू बनाना है, हर टाइप की जो डाई है वो मिल जाती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा इंजीनियर जाएगा, उसका थोड़ा चार्ज रहता है, वो आपको जाके वहाँ पे मशीन चलाने का पूरा ट्रेनिंग, मशीन कैसे चलेगा, वायर कैसे लगनी है, जो भी है वो सारा कुछ चलाने का आपको 2-4 दिन रुक के वहाँ आपको सिखलाई देगा, और इसको कैसे पूरा इसमें हेड बनेगा, कैसे चूड़ी डलेगी। तो इसकी ये देखिए नोक आगे से पूरी तीखी बनी हुई है, हेड अच्छा बना हुआ है, गलाई पूरी है, चूड़ी अच्छी डली हुई है, अच्छी क्वालिटी का हमारा जो इसमें पार्ट लगते हैं बहुत सारे हमारे EN24 के लगते हैं, कुछ उसमें क्रंक जो है कुछ और पार्ट हैं, कुछ EN8 के लगते हैं, 9 के लगते हैं, उसमें जो बुश लगते हैं फास्फोरस ब्राउन के लगते हैं, आम लोग जो है वो गन मेटल के लगा देते हैं, उसकी लाइफ नहीं होती, हमारी मशीन की लाइफ ज़्यादा रहेगी, 10 साल मशीन चलेगी, पार्ट नहीं घिसता जल्दी, कभी भी आपको मशीन की प्रॉब्लम आए कुछ भी होए 1 साल गारंटी है, 1 साल के बाद भी कभी 2-4 साल में कभी भी प्रॉब्लम आती हमारा इंजीनियर आ जाता है, वहाँ के प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता है। और हमारे हर जगह ऑल ओवर इंडिया में इसका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ऑल ओवर इंडिया में इसका मिल जाता है, हमारे हर शहर में डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ से जब मशीन लोगे हम बता देते हैं फिर बाद में कि आप कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, हमारा इंजीनियर आएगा सारा कुछ बता देगा। इसमें वायर जो है डबल HV वायर लगती है, इसमें जो जिप्सन स्क्रू होता है, डबल HV का मतलब होता है कि HV जो वायर नेल में लगती है वही वायर होती है, उसको थोड़ा हीट किया होता है, वो डबल HV हो जाती है, उसको फर्नेस में हीट करके वो वायर उसका रॉ मटेरियल मिल जाता है। वो जो वायर इसका बनाने वाली मशीन है वो भी हमारे पास होती है, आपने वायर ड्रा मशीन होती है उसमें जो भी साइज का वायर बनाना चाहते हो वो भी हमारे पास मिल जाती है, उसमें फर्नेस भी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। और इसमें जो मशीन है ये स्क्रू बनाने वाली मशीन है, इसमें जैसा डाई लगाओगे वैसा ही, जैसे ये हेड है जिप्सन स्क्रू वाला, ऐसा माइनस वाला हेड भी बना सकते हो, ऐसा इसमें एक स्लॉटिंग मशीन और लगेगी, उसमें ऐसा माइनस वाला भी हेड बना सकते हो, चूड़ी ऐसे वाली भी डाल सकते हो, मशीन स्क्रू भी बना सकते हो इसमें, जिप्सन स्क्रू, मशीन स्क्रू, और भी जिस टाइप का बनाना चाहो और भी बन जाते हैं। ऐसा जो बड़ा मशीन लेना है तो ये वाला ऐसे स्क्रू भी बन जाते हैं, ये वाला स्क्रू है, हाफ थ्रेड भी बना सकते हो, फुल थ्रेड भी बना सकते हो, जैसा कोई और भी कैसी टाइप का है, जैसा ये वाला है ऐसे वाला हेड भी बना सकते हो, ऐसी थ्रेड भी डाल सकते हो, किसी टाइप का भी बना सकते हो। और इसी मशीन में जो जो जिप्सन स्क्रू वाली जो मशीन है इसी में रिबट भी बना सकते हो, जो रिबट आधी इंची लंबी है, 1 इंची लंबी है, 2 सूत लंबी है, जितनी भी लंबी 5 mm, 10 mm, 15, 20, 25 mm लंबी कोई भी रिबट जो है, रिबट भी इसी मशीन में बन सकती है। ये मल्टीपर्पज़ मशीन है, इसमें मतलब स्क्रू या और मशीन स्क्रू कुछ भी बना सकते हो, डाई चेंज करके कुछ हर टाइप का इसमें बन सकता है।
मतलब ज़रूरी नहीं भी जिप्सन स्क्रू बनाना, और भी कई टाइप का इसमें मटेरियल बन जाता है। बाकी इसका रॉ मटेरियल जो है वो भी मैं बता दिया आपको। बाकी इसमें प्रॉफिट की मैं बात करना है, इसमें प्रॉफिट जो है जैसे इसकी वायर है वो 60 रुपए किलो जिप्सन स्क्रू की मिल जाती है, 60-65 लास्ट मिल जाती है, डबल एच वी वायर जो है वो आपने वायर ले लिया, इसके ऊपर 2-3 रुपए खर्चा आएगा बनाने का, इसका जो भी इसका इलेक्ट्रिसिटी का 2-3 रुपए किलो का, 4 रुपए किलो का खर्चा आ गया। जैसे 65 वायर मान लो 60 रुपए या 65 रुपए वायर है, 2-3 रुपए खर्चा आ गया, 70 रुपए किलो आपको ये बन गया, आपका रेडी हो गया 70 रुपए किलो तक। ये जो स्क्रू है कम से कम भी ये जे आप इसको थोक के भाव में बेचोगे, बोरी में पूरा बर्क बोरी पूरी 50 किलो का जो बर्क है, किसी ने 1 टन लेना है, 50 किलो लेना है, 100 किलो लेना है, 200 किलो लेना है, तो ये कम से कम 150 रुपये किलो बिक जाता है। इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा है, 70 रुपये तक आपका रेडी हो ना, 150 रुपये किलो तक बिक जाता है। जेकर ये स्क्रू आप पैकेट में इसको पैक करके फिर सेल करोगे, फिर ये तकरीबन 170-180 रुपये किलो बिक जाता है। पैकेट जो होते हैं गत्ते का बॉक्स लेके उसमें पैकिंग करके इसको बेचोगे तो ये और भी प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है। ये अच्छा खासा बिजनेस है। आप कोई भी आदमी जो है, मेरी जो वीडियो है मतलब आगे आगे जो व्हाट्सएप है आपका कोई भी उसमें ग्रुप है उसमें आगे आगे इसको शेयर करते रहा करो, क्योंकि किसी आदमी को कोई ज़रूरत होएगी तो उसका कोई उसका काम हो जाएगा। क्योंकि उसको कोई जो आदमी वेला है, उसने बेरोजगार है, जब उसने कोई नया बिजनेस शुरू करना है उसको उसकी नॉलेज मिल जाएगी। आगे कहीं ग्रुप है आपके पास उसमें शेयर कर दिया करो, शेयर करोगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी लोगों को बोलो कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब होएगा, लाइक करोगे तो आपको हमारे इस चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होती रहती है आप उसकी नॉलेज जो है आपको मिलती रहेगी पूरी जो। बाकी इसका जो बेचने का है, बेचने का भी इसके होलसेलर होते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे होलसेलर होते हैं, कई माम को भी होलसेलर बोलते रहते हैं माल कहाँ से मिलेगा ये मिलेगा, फिर हमने हमारे से जो मशीन लिया होता है जिसने हम होलसेलर भी बता देते हैं कि वहाँ से मिल जाएगा, वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं कि होलसेलर मतलब उस एरिए का जो होता है वहाँ वो सप्लाई जो मशीन लेगा वो बना के इसको सप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बिजनेस है, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें आप लगा के, इसमें बहुत कम अभी ये लगे हुए हैं यूनिट, कम लगे इंडिया में बहुत सारे अभी। आप कहीं भी हो, किसी स्टेट में भी हो, वहाँ से आप हमारे YouTube में जो उसका वीडियो है इसके नीचे नंबर दिए होएंगे उसमें जाके WhatsApp पे मैसेज करो और आपको पूरी नॉलेज दे देंगे। आप वहाँ से ही आपको ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो, QR कोड है हमारा बैंक का, उसमें पेमेंट जमा करा सकते हो। आप इसका बुकिंग कराओ, 15-20 दिन में मशीन रेडी हो जाता है, रेडी होके हम उसमें आपके घर तक डिलीवरी कर देते हैं। उसका जो ट्रांसपोर्ट का GST अलग होता है वो आप उसका पूरा पेमेंट करोगे, हम वहाँ तक मशीन पहुँचवा देते हैं, मशीन पहुँच जाएगी, हमारा इंजीनियर जाएगा मशीन इंस्टॉल करके पूरा ट्रेनिंग दे देगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना झिझक कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कंपनी जो है रेपूटेड अच्छी कंपनी है अमृतसर में, आप उसमें एडवांस जमा कराओ और बुकिंग कराओ मशीन की, जितनी जल्दी कराओगे पहले आपका नंबर आएगा, पहले आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, जल्दी आपका बिजनेस जो स्टार्टअप हो जाएगा, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा आपको आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत आपका हमारे YouTube में जो आपने वीडियो देखी है पूरी, हमारे YouTube चैनल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो। बहुत बहुत दोस्तों, आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।